સુરતના પાંડેસરા વિસ્તારમાં આવેલ રાધેશ્યામ નગરમાં પરપ્રાંતીય કારીગરે ગળે ફાંસો ખાઈ જીવન ટૂંકાવી લીધો હોવાનો બનાવ પોલીસ મથકે નોંધાવા પામ્યો છે। સુરતમાં આપઘાતની ઘટનાઓ વધી રહી છે ત્યારે પાંડેસરા વિસ્તારમાં આવેલ રાધેશ્યામ નગરમાં પરપ્રાંતીય કારીગર એવા મંજય સરોજે પોતાના ઘરે ગળે ફાંસો ખાઈ આપઘાત કરી લીધો હતો। તો બનાવની જાણ થતાં પાડોશી અને પરિવારજનો દોડી ગયા હતા। પોલીસને જાણ કરાતા પોલીસ પણ દોડી આવી હતી। મૃતક માનસિક રીતે અસ્થિર હોવાનું મૃતકના કાકાએ જણાવ્યું હતું। મેં દિનેશ સરોજ હું ઓર મેરા ભતીજા આત્મહત્યા કરી લીધા હે और घटना की जानकारी सुबह लगी। आजू बाजू वालों ने बताया हमको, फिर जाकर हमने पुलिस में संपर्क किया। और मेरा भतीजा मानसिक रूप से थोड़ा दिमाग के कमज़ोर था और ये घटना घटी रात को। कितने बजे घटी किसी को नहीं पता, हमको भी मतलब आजू बाजू वालों से ही मालूम पड़ा, जबकि मैं भी रात में घर पर ही था। उसके बाद में अभी फ़ोन फान हो रहा है, पुलिस वाले आए हैं। अब देखो आगे कार्रवाई चालू है। क्या काम करते थे? एम्ब्रॉयडरी मशीन में काम करते थे और ड्यूटी सुबह 9x9 की ड्यूटी थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ड्यूटी नहीं कर रहे थे। कल बड़े भतीजे से संपर्क हुआ था तो बड़े भतीजे ने जहां काम पे जाना है वहां का मैसेज दिया था मोबाइल में, तो आज सुबह जाना था वहां पे, लेकिन रात को ही घटना घट गई। अब इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं। हाल तो परप्रांतीय कारीगर आपघात कर लेता, परिवारजनों पर शोक में गरकाव थे। पुलिस लाश नो कब्जो लेवा तपास हाथ धरी है।